इंतजार की घड़ियां समाप्त होने को हैं, उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है। 22 जनवरी को मध्यान्ह में रामलला अपने नए मंदिर में दर्शन देने वाले हैं। लगभग 500 वर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर पुनः अपने अस्तित्व में आ रहा है। यह मंदिर पूर्ण होने पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर कहलाएगा। प्राण प्रतिष्ठा एवं लोकार्पण समारोह 22 जनवरी 2024 को है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। रामानंदीय साधु संतों के साथ साथ अन्य हिंदू संप्रदायों के साधु संत तथा देश विदेश के विशिष्ट मेहमानों के साथ साथ लाखों लोगों के इस समारोह में भाग लेने की संभावना है। संभवतः आप भी इस समारोह में भाग लेने का मन बना रहे होंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। और आज हम भगवान राम के नव निर्मित मंदिर के बारे में कुछ विशेष जानकारी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। मंदिर निर्माण से जुड़े संस्थान। मंदिर का निर्माण भारत सरकार द्वारा स्थापित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संरक्षण में कराया जा रहा है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक बाद से ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्धारित समय में ही इस मंदिर के प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण का जिम्मा लार्सन एंड टुब्रू को दिया है, जिसे एलएनटी के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे बड़े संस्थानों ने भी परीक्षण, पर्यवेक्षण, डिजाइन एवं अन्य मामलों में परामर्श के रूप में सहायता प्रदान की है। मुख्य मंदिर। श्री राम मंदिर का पूरा परिसर लगभग 70 एकड़ भूमि में तैयार हो रहा है। इस परिसर में इतनी जगह होगी कि लाखों भक्त एक साथ मंदिर में प्रभु श्री राम जी का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के बंसीपुर पहाड़ के बलुआ पत्थरों से किया जा रहा है। मंदिर में ईंटें और सीमेंट का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन बलुआ पत्थरों को तराश कर गुड़ एवं चूना के साथ कुछ अन्य मिश्रण को मिला करके उसी मिश्रण से जोड़ जोड़ करके मंदिर का निर्माण पूरा किया जा रहा है। मंदिर का निर्माण नागर शैली पर किया गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है, जो कि दक्षिण भारत के प्रचलित गोपुरम शैली पर आधारित है। मुख्य मंदिर 2.7 एकड़ में फैला हुआ है, जिसका कुल निर्माण क्षेत्र 57,400 वर्ग फुट है। मंदिर की लंबाई 360 फुट, चौड़ाई 335 फुट और ऊंचाई 161 फुट है। यह मंदिर 3 मंजिलों वाला होगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई लगभग 20 फुट है। इस मंदिर के भूतल में 160 स्तंभ, प्रथम तल पर 132 स्तंभ और द्वितीय तल पर 74 स्तंभ हैं। मंदिर में 5 मंडप और 12 द्वार हैं। गर्भगृह को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक रामनवमी के दिन मध्य दिवस में सूर्य की किरणें सीधे राम लला के ऊपर पड़ेंगी। ऐसा होगा मंदिर का परिसर। इस मंदिर के बारे में अभी तक कोई विशेष जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है कि यह मंदिर कैसा होगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पर इस मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा एक प्रार्थना कक्ष, व्याख्यान कक्ष के रूप में एक राम कथा कुंज, एक संत निवास, आगंतुकों के ठहरने के लिए व्यवस्था के साथ साथ एक वैदिक पाठशाला एवं संग्रहालय जैसी सुविधाएं निर्मित करने की योजना भी है। आर्किटेक्ट। इस मंदिर के मुख्य आर्किटेक्ट
चंद्रकांत सोमपुरा एवं उनके दो बेटे निखिल सोमपुरा एवं आशीष सोमपुरा हैं। गुजरात में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार मंदिर वास्तुकार के रूप में विश्व प्रसिद्ध हैं। वे 15 पीढ़ियों से मंदिरों की डिजाइन बना रहे हैं। श्री राम के बाल स्वरूप की होगी पूजा। अयोध्या का यह मंदिर रामलला का मंदिर है, अर्थात श्री राम के बाल स्वरूप की यहां पर पूजा की जाएगी। अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र की जन्मस्थली है। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर अभी वर्तमान गर्भगृह स्थापित किया जा रहा है, उस स्थान पर त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने बचपन के समय, अपने बाल्यकाल के समय विश्राम किया करते थे। इसलिए इस मंदिर में जो मुख्य विग्रह है वह 5 वर्षीय श्री राम का स्वरूप होगा। लगभग 4 फुट 3 इंच की मुख्य प्रतिमा होने की रिपोर्ट मीडिया में अभी तक आ रही है। रामलला की 2 प्रतिमाएं स्थापित होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पर मंदिर में रामलला की 2 प्रतिमाएं रखी जाएंगी। एक वास्तविक प्रतिमा होगी जो कि 1949 में प्राप्त हुई थी और दशकों तक टेंट में रही है। दूसरी एक बड़ी प्रतिमा होगी जिसके निर्माण हेतु नेपाल से शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। ये शिलाएं नेपाल के मुस्तांग जिले में बह रही काली गंडकी नदी के तट से लाई गई थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शालिग्राम की ये शिलाएं लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी शिलाएं हैं। इन शिलाओं का वजन 26 टन और 14 टन है। काली गंडकी नदी के तट पर पाई जाने वाली शिलाएं प्रसिद्ध हैं। इन्हें शालिग्राम कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार पर इन शिलाओं को भगवान श्रीहरि विष्णु के प्रतीक के रूप में माना जाता है और हिंदू धर्म के प्रत्येक घर में इन शालिग्राम शिलाओं की पूजा अर्चना प्रतिदिन होती है। मंदिर में भगवान राम की 5 वर्ष की आयु के स्वरूप वाली प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इस प्रतिमा का स्वरूप वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में भगवान रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र एवं ऐन्द्र योग में होगी। उस दिन सूर्योदय से ही सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में, चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण राशि वृष में, मंगल बुध एवं शुक्र धनु राशि में, बृहस्पति मेष राशि में तथा शनि देव कुंभ राशि में अर्थात स्वयं की राशि में होंगे। मंदिर के पुजारी। अयोध्या में श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी 83 वर्षीय आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं, जो पिछले 31 वर्षों से पुजारी के रूप में रामलला की सेवा एवं पूजा कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त खबरों के अनुसार पर 50 सहायक पुजारियों का भी चयन किया गया है। पुजारियों का चयन एक लंबी प्रक्रिया के बाद किया गया। पुजारियों के लिए रखे गए मापदंडों में उन्हें रामानंदीय परंपरा का विद्वान होना आवश्यक माना गया था। इसके अलावा उनकी वेद, शास्त्र, संस्कृत आदि विषयों का ज्ञान होना तथा कर्मकांड में विशेषज्ञता होनी आवश्यक मानी गई थी। लगभग 3000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से 200 आवेदक पुजारियों का साक्षात्कार लिया गया और 200 में से 50 आवेदकों को पुजारी के रूप में चुन लिया गया है। चुने गए पुजारियों में मोहित पांडे पिछले दिनों खबर में बने रहे। वे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और तिरुपति में तिरुमाला तिरुपति देवी स्थानम द्वारा संचालित श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय में साम वेद में आचार्य कर रहे हैं। पुजारियों का वेतन। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पर श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने हाल ही में पुजारियों का वेतन बढ़ाया है। उसके अनुसार मुख्य पुजारी का वेतन 32,900 रुपये तथा सहायक पुजारियों का वेतन 31,000 रुपये निर्धारित किया गया है। मंदिर का घंटा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर में
2100 किलो वजन का एक विशाल घंटा लगाया जाएगा जो 6 फुट ऊंचा 5 फुट चौड़ा होगा। इसके अलावा मंदिर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आकार के 10 छोटे घंटे भी लगाए जाएंगे जिनका वजन 500 किलो 250 किलो एवं 100 किलो का होगा। घंटों का निर्माण पीतल के साथ अन्य धातुओं को मिलाकर के किया जा रहा है। इन घंटों का निर्माण जलेसर एटा की फर्म सावित्री ट्रेडर्स कर रही है। एटा का जलेसर पूरी दुनिया में घुंघरू और घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहां के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से इन चीजों का निर्माण कर रहे हैं। देश के कई मंदिरों में जलेसर के बने हुए घंटे टंगे हुए हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने भगवान श्री रामचंद्र जी के नव निर्मित मंदिर के बारे में कुछ जानकारियां प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि इस जानकारी से सभी सनातनी अवगत हो सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय गुरुदेव।